पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मुश्किल में फंस गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। चुनाव आयोग ने आज शाम में ही छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस मामले में राजनांदगांव के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह कलेक्टर को कार्रवाई के पत्र भेजा था और देर रात जान लेने की धमकी का मामला दर्ज किया गया। राजनांदगांव के तहसीलदार अतुल विश्वकर्मा की शिकायत पर कोतवाली ने ये मामला दर्ज किया गया है। सार्वजनिक मंच से दिए गए इस संबोधन के बाद भाजपा ने तीखी नाराजगी जताई थी। ओम पाठक सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सचिव केंद्रीय अनुशासन समिति भाजपा ने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत प्रेषित कर आदर्श आचरण संहिता के तहत उचित कार्यवाही करने हेतु मांग की थी। शिकायत पत्र में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के विरुद्ध हेट स्पीच किए जाने के संबंध में शिकायत के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 503 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(2) एवं आदर्श आचरण संहिता की कंडिका 3 अगस्त 2002 के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्र आयोग को प्रेषित किया गया था। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चरणदास महंत के खिलाफ धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है। तहसीलदार सह सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की दर्ज कराई गई शिकायत में प्रथम दृष्टया प्रधानमंत्री मोदी का सर लाठी से फोड़ने और उनको क्षति पहुंचाने की धमकी देना का मामला सही पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।